हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोट। आज का हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एट नील बोर का जो मॉडल था, नील बोर ने बीच में हुए साइंटिफिक डेवलपमेंट से काफी कुछ सीखा। क्योंकि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने काफी कुछ एडवांसमेंट क्रिएट किए साइंस में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पार्टिकल थ्योरी लाइट की प्रपोज की, उससे भी काफी फायदे हुए। और उन सबको यूज करके नील बोर ने अपना एक एडवांस मॉडल ऑफ एटम दिया, दिस इज नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस मॉडल में कुछ पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो पॉइंट नंबर वन, ही यूज्ड अ टर्म न्यूक्लियस व्हिच इज सिमिलर टू न्यूक्लियस ऑफ बोर, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल। न्यूक्लियस इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यू कैन से रीजन, प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये पॉस्टुलेट सेम वैसा ही है जैसा रदरफोर्ड ने दिया था, उसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। बाकी पॉइंट में इन्होंने चेंजेस किए। सेकेंड पॉइंट इन्होंने डिफाइन किया ऑर्बिट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ यू कैन से फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एंड एनर्जी दीज पाथ आर नोन एज ऑर्बिट। जो पाथ है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं और ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, दिस इज नोन एज ऑर्बिट। देन थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन Energy of electron in an orbit, energy of electron in an orbit is fixed. It doesn't change with time. जो energy है ये time पर depend नहीं करती है, time के साथ change नहीं। जैसे रदरफोर्ड में क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलिकल पाथ पे या स्पाइरल पाथ पे मूव करते करते न्यूक्लियस में गिर जाता। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ऑर्बिट, जब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इनकी एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन जब तक इस फिक्स इस पाथ पे मूव करता रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए Therefore, orbit are called energy state. Orbit are called energy state or energy shell. इसे या तो हम एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं या फिर एनर्जी शेल बोल सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन इस पाथ पर मूव करता रहेगा
तब तक वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी एमिट करेगा। तो जो प्रॉब्लम रदरफोर्ड के मॉडल में आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपना पाथ कम करता जा रहा था, वो प्रॉब्लम नील बोर के मॉडल में नहीं थी, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया कि प्लैंक ने कहा था एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं हो सकती। उन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड। रदरफोर्ड को ये नहीं पता था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती, इसलिए वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली एनर्जी एमिट नहीं कर सकते। लेकिन नील बोर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से सीखा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका, या नॉर्मली बात करें तो आपके नॉर्मल केसेस में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज होगी। अगर एनर्जी क्वांटाइज है तो वो कॉन्टिन्यूसली लूज नहीं हो सकती, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो उस स्पाइरल पाथ को फॉलो नहीं कर सकता जो मैक्सवेल ने वहां पर डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ मूव कर रहा था तो वो एनर्जी लूज करता जा रहा, लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एनर्जी तो क्वांटाइज होती है। एनर्जी अगर क्वांटाइज होती है तो वो कॉन्टिन्यूस, जो आप एनर्जी एमिशन की बात कर रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रदरफोर्ड के मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो नील बोर के मॉडल में रिमूव हो गया। प्लस नील बोर ने एनर्जी सेल का कुछ नाम रखा, नील बोर ने एनर्जी लेवल का कुछ नाम रखा, उनका नाम हम आगे, ये सपोज सेंटर में न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, तो फर्स्ट सेल जो थी उसका नाम रखा उन्होंने के एल एम एन ओ, और ऐसे ही वो सेल्स को आगे बढ़ाते। तो ये जो आपका ये सेल्स हैं, दीज आर नोन एज एनर्जी, दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सेल्स। इनके लिए n की वैल्यूज हमने डिफाइन की, इसके लिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और भी इन्होंने आगे ऐसी सेल्स जो है वो डिफाइन की। तो बताया कि लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। जो लोएस्ट आपका लेवल जो इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है, लोएस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जहां हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। एंड ऑल हायर सेल्स आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट है, उसके अलावा बाकी जो हायर सेल्स हैं वो क्या है, दे आर एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन, और एक lower shell has lesser energy while higher shell has greater energy, so electron can move from lower shell to higher shell by gaining energy and from higher to lower by losing energy। तो अगर एनर्जी गेन करनी है तो एनर्जी आएगी कहां से, एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, लाइट। तो
अगर हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम N2 सेल से N1 सेल में, N1 सेल से N2 सेल में लाना चाहें तो एनर्जी कितनी लगेगी? E2 - E1। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को सपोज ये N1 सेल है, ये N2 सेल है, ये N2 सेल है, ये न्यूक्लियस है N1 N2, यहाँ एनर्जी E1 थी, यहाँ एनर्जी E2 है। सपोज यहाँ एनर्जी 50 थी, यहाँ एनर्जी 200 है, तो 50 से 200 जाने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? 150। तो यही तो E2 - E1 आ रहा था। डेल्टा ई जो एनर्जी लगी है, डेल्टा ई एनर्जी जो है वो क्या होगी? E2 - E1 होगी। और डेल्टा ई एनर्जी आती कहाँ से? डेल्टा ई एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइट। दिस डेल्टा ई एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फोटॉन। सो वी कैन सी दैट H nu इज इक्वल्स टू E2 - E1। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन को लोअर सेल से हायर सेल में जाने के लिए एनर्जी लगेगी, वो कहाँ से आएगी? फोटॉन से आएगी। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 - E1। डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा ई क्योंकि सनलाइट से ऑब्टेन हो रहा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू H nu। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। नील बोर सेड दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज क्वांटाइज्ड। मतलब जैसे हम, इन्होंने बताया था कि एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आती है, उन्होंने कहा था कि एनर्जी जो है पैकेट के फॉर्म में आती है, वैसे ही आपका एंगुलर मोमेंटम जो है MVR, एंगुलर मोमेंटम जो है वो MVR फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, ये भी किसके मल्टीपल में आएगा? ये पैकेट के फॉर्म में आता है, जहां पे स्मॉलेस्ट पैकेट जो है वो H/2π है। और MVR किसके इक्वल होता है? MVR इज इक्वल्स टू NH/2π, वेयर N इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल। नील बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, शेल मूव करेगा, तो शेल मूव करते समय उसकी जो एनर्जी है, सॉरी मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या होगा? क्वांटाइज होगा। वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में आएगा, जिसमें स्मॉलेस्ट पैकेट जो होगा वो कितना होगा? H/2π हो। N जो है यहां पर NH/2π में, N क्या है? नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल में H/2π है, सेकंड सेल में 2H/2π है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन उसी रेडियस पे घूम सकता है जिस रेडियस पे उसके MVR की वैल्यू कितनी आ जाए? NH/2π आ जाए। तो अपने मन से इलेक्ट्रॉन को रेडियस चूज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका ऑप्शन जो है वो डी ब्रॉगली ने इसे बाद में प्रूव किया कि ये क्यों ऐसा होता है। डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन आया है, बट क्योंकि अभी ने डी ब्रॉगली का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसलिए हम डेरिवेशन अभी नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने डाउट शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।